और कथा सुनने वाले नारद जी महाराज, और नारद जी भी भगवान का अवतार, परंतु कथा जहां हो रही है, विष्णु पादावंतिका गुणमयी मध्ये च कांतिपुरी नाभि द्वारवती तथा च हृदयम् मायापुरीम् पुण्यदा। बड़ा ध्यान देने लायक श्लोक है। विष्णु पादावंतिका, भगवान के चरण कहाँ है? बोले उज्जैन महाकाल, महाकाल की नगरी उज्जैन, यह भगवान के चरण है। भगवान के चरण में उज्जैन है, गुणमयी है, बड़ी सुंदर है। मध्ये च कांचीपुरी, दक्षिण भारत कांचीपुरम, वो भगवान का पेट है। और नाभिम द्वारवती, जो द्वारिका है, भगवान की नाभि में द्वारिकापुरी है। और तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा, और भगवान की छाती, हृदय, हार्ट, वो कहाँ है? बोले हरिद्वार, मायापुरी बोलते हैं हरिद्वार को। माया देवी का मंदिर है हरिद्वार। अब कभी जाओ तो हर की पौड़ी से किसी को भी पूछ लेना, माया देवी का मंदिर जाना है, वही पास में ही, बस अड्डे के पास में माया देवी का मंदिर, अद्भुत माँ कामाख्या का स्वरूप है। दर्शन करना चाहिए आप लोग भी जरूर, क्योंकि वहां की देवी है मुख्य। जैसे काशी में काल भैरव जी मुख्य देवता है वहां के, ऐसे ही हरिद्वार की देवी। तो हरिद्वार है भगवान का हार्ट, पूरा शरीर, कुछ शरीर में कोई कमी आए, दिक्कत आए, कोई बीमारी हो, पर हार्ट ठीक ठाक है तो घबराने की जरूरत नहीं। और चाहे सारे अंग हिष्ट पुष्ट हो पर हार्ट कमजोर है, एक दो बाईपास हो गया है तो खतरा रहता है, स्ट्रोक ना हो जाए, थर्ड स्टेज बहुत ही खतरनाक। परंतु हृदय, ये कथा कहाँ हो रही है? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम् यत् समीपस्थ जीवानां वैरं केतसिनस्थितम्। कथा हो रही है गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, अर्थात वो भी भगवान में ही, भगवान के हृदय में, भगवान के भक्तों को ये सुनाने वाले भी भगवान, सुनने वाले भी नारद जी भगवान, और कथा भी हो रही है भगवान में ही। इसका मतलब, एक बात मैं क्यों बता रहा हूं, इसका मतलब यही है कि आप लोगों में भी वही भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं की इच्छा हुई कथा सुनो, उन्हीं भगवान की इच्छा हुई कथा कहो, तो वक्ता बनकर के हृदय में सुना रहे हैं आप लोग, श्रोता बनकर के भगवान ही सुन रहे हैं। और कहो कहां जहां राम नहीं, सकल भूमि गोपाल की, कहां नहीं है भगवान? तो यहां पे भी भगवान है, सकल भूमि गोपाल की, ये पूरी भूमि धरती ही भगवान की है। तो जहां हो रही है कथा, ये भी इस जगह के भी कोई भाग थे, पिछले जन्म के कोई कर्म है, ये कोई अच्छा कर्म था इस भूमि में, तो ये कथा प्रकट हो रही है। इसलिए हर तरह से कृपा का आप लोग अनुभव करते रहो। और अब भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने भगवान की कथा का महात्म्य सुना, महात्म्य मतलब भगवान की कथा सुन के क्या मिलता है। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान की कथा सुनने से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों जग गए। धुंधकारी जैसा पापी जो पिंडदान गया में देख करने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई थी, उसकी भी मुक्ति हो गई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रव संयुतं विवत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत महापुराण जन्मादेश कहकर के मंगलाचरण। जो भगवान अनादि अजन्मा है उसका भी जन्म हुआ, आद्यस्य जन्म। अनादि अनंत परमात्मा का भी जन्म होता है, और जन्म तो हुआ, पर जन्म लेते ही भगवान मथुरा से चले गए गोकुल। किसने कहा क्या कंस के
मारने के डर से भगवान भगे, बोले नहीं नहीं। मधुर मंगल में गौचारण लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला ये मथुरा में नहीं हो सकती, ये प्रेमियों के बीच में ये लीलाएं हो सकती है। हमने तो अनुभव किया, कथा कथा सुनाने वाले हम वही, हमारे संगीतकार भाई लोग भी वही, कथा भी वही सुनाते। पर आप लोग जैसे प्रेमी संत लोग, भक्त लोग, प्रेमी जन अगर कथा में ना बैठे हो ध्यान से कथा सुनने वाले, तो वही सुनाने वाले के मन में वो भाव ही नहीं आता कि हम यहाँ। परंतु कोई भाव वाले भक्त लोग सामने बैठे हो तो ऐसा लगता है कि उनको ऐसा क्या सुनाऊं जो उनको अच्छा लगे, आनंद आए। और हमारे संगीतकार भाई लोग भी बढ़िया से बढ़िया, हमारे धीरज जी भी कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया अच्छे अच्छे भाव आप लोगों को सुनाएं ताकि आप लोगों को अच्छा। तो ये क्या है? बोले ये भगवान के भक्तों के बीच की लीलाएं होती है। जो रास लीला भगवान ने वृंदावन में की है, 115 साल के बाद भगवान से सबका मिलन हुआ है कुरुक्षेत्र में, तो वहां सबसे मिले, तो वहां ब्रजवासी भी गए थे, किशोरी जी भी वहां पहुंची हैं, समस्त ब्रजवासी, गोपिकाएं, माता पिता, नंद बाबा, यशोदा सब मिले। तो ठाकुर जी ने कहा एक बार आप लोग मेरी द्वारिकापुरी में आकर के मेरा निमंत्रण, थोड़ा अतिथि बनो, हमारे मेहमान बनो, मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान की प्रार्थना पर सब गए, कहां द्वारिका गए। तो द्वारिका में जब पहुंचे तो रुक्मिणी मैया ने, सत्यभामा आदि सभी रानियों ने कहा हे कृष्ण, हमने आपकी रास के बारे में बहुत सुना है, दिव्य रास है वो। देखिए यहाँ आज सब कुछ है, यहाँ गोपी भी है, आप भी हैं, श्री किशोरी राधा रानी भी है, तो यहाँ भी थोड़ा रास करके दिखाओ ना क्या होता है उस रास में। ये श्री रुक्मिणी जी ने कहा, जो लक्ष्मी जी। भगवान ने मना किया कि ये ब्रजवासी, ये किशोरी जी, गोपिकाएं तैयार नहीं होंगी, वृंदावन में ही ये सब ये हो सकता है नहीं। क्या अरे आप कहोगे श्री राधा रानी क्यों नहीं मानेंगे, अरे यहाँ क्यों मना, यहाँ क्या कमी है। बोले रास मंडल कहाँ है, वो जगह भी तो चाहिए। तो रुक्मिणी जी हैं, क्या नहीं कर सकती, महारानी है, आदेश दिया तो वृंदावन से वृंदावन की लताएं मंगाई गई, वृंदावन के पेड़ लगाए गए, रास मंडल बनाया गया। परंतु जैसे ही रास प्रारंभ करने लगे, पाग बन्यो पटुका बन्यो बन्यो लाल को हे, श्री राधा वल्लभ लाल को दौड़ी रास तू दे। सब कुछ तैयार है, भगवान भी श्रृंगार से तैयार हुए, पर उसी समय किशोरी राधा रानी ने मना कर दिया कि मैं यहाँ रास नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं, बोले हवाई नहीं है वो, और वृंदावन की प्रेम की हवा मुझे यहाँ मिल नहीं रही है, मैं यहाँ नृत्य नहीं कर सकती। किशोरी जी ने उसी समय मना कर दिया। देखो वही किशोरी जी, वही श्री जी, वही ठाकुर जी, वही गोपिकाएं, परंतु वृंदावन नहीं तो प्रेम की लीला नहीं हो पाई। ऐसे ही सब कुछ हो पर प्रेम न हो सुनने वाले भक्तों में, सुनने में प्रेम और श्रद्धा बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आलस, निद्रा पकड़ने की नींद आएगी तो फिर वो रस प्रकट नहीं होगा। इसलिए आप लोग भी बड़े प्रेम से ध्यान से मंत्र जप करने से आपको नींद भी नहीं आएगी, और बीच बीच में अगर जल की सेवा करना हो तो जब भजन होए, कीर्तन होए, तो उस समय जल पिला दिया करो, थोड़ी सी मूर्ति आ जाएगी। श्री वृंदावन हरि लाल की जय, जय श्री राधे। ऐसे भगवान जो सीधे वृंदावन गोकुल में लीला करने लगे, उनकी लीलाओं को समझने में भी ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। करुणामयी कृपामयी दयामयी सरकार दी, सिद्धता सुन के आ गया श्यामा तेरे दरबार, सिद्धता सुन के आ गया श्यामा तेरे दरबार, कृपा मई दया मई कृपा मई दया मई करुणा मई स
सरकार दी का सुन के आ गया श्यामा तेरे सिद्धता सुन के आ गया श्यामा तेरे दरबार दी गई सिद्धता बहुत अच्छा गाते हैं सपने। हाँ कल से सबको एक एक माइक मिलेगा।
आइए साथ मिल के गाते हैं। सुबिता सुन के आ गया श्यामा तेरे दरबार महापुराण क्यों लगाया गया, पुराण क्यों नहीं है? तो पहले भागवत को जानिए। भाति सर्वेषु वेदेषु गति सर्वनिषु तरन्ति सर्वशास्त्रेषु वरेण्यम् सर्व वस्तुषु। भा मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप परमात्मा। भा मतलब ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मतलब जाना, गमन, गति। परमात्मा की तरफ जो ले जाने वाला है, तरणी मतलब नाव, और वह मतलब बैठना। जिस नाव पर बैठ करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है उसी नाव का नाम है भागवत। सबसे सरल और सहज अर्थ में बताया, भागवत साधन है। भगवान तक पहुंचने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। कहीं सफर करना हो और कोई दिक्कत हो, सामर्थ्य नहीं, कमजोरी है, कोई परेशानी है, बीमारी है, हम बीमार पड़ गए हैं, पर नाव पर कोई बिठा दे तो नाव अपने आप। भागवत को नाव कहा। नाव क्यों कहा? बोले नाव इसलिए कहा कि नाव में कील लगा लगा करके अलग अलग लकड़ियों को जोड़ करके नाव बनाते हैं। एक कील को पानी में डाल दो तो वो बिल्कुल, वो छोटा सा लोहा होने पर भी पानी में तुरंत डूब जाएगा कील। परंतु उसी कील को किसी लकड़ी से लगा दो और पानी में डाल दो तो लोहा, वो कील जो है डूबेगा नहीं। ऐसे हम उस कील के समान है। हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, पर लकड़ी रूपी ये नाव रूपी भागवत से हम जुड़ गए तो अब हम भवसागर में डूबेंगे नहीं, हम भवसागर तर जाएंगे। यही इस भागवत का उद्देश्य है। इसका मकसद ही यही है भागवत सुनाने का, कि ऐसे जीव जो समर्थ नहीं, जाना तो चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, पर न रास्ता पता है, न मंजिल का पता है, बस कुछ नहीं जानना हमें, बस हम तो इस नाव में बैठ जाएं, क्योंकि इसको खेवन करने वाले, इसको ले जाने वाला जो केवट है, बड़ा ही समर्थवान सदगुरु संत महापुरुष जन है, ये आपको भगवान तक पहुंचा देगा। भव मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य।
जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य दे करके आपको तत्व श्री कृष्ण ही परम तत्व है, कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम् न जानी, तो उस कृष्ण की प्राप्ति करा दे आपको भागवत की कथा सुनने से, गोपियों जैसी भक्तियों से भरे हुए जीवन वाले भक्तों से आपको परिचय मिलेगा, भक्तों की कथा है, जड़ भरत जैसे ज्ञानियों की कथा, ऋषभ देव जैसे, श्री परीक्षित जैसा कौन वैरागी होगा जो पूरे भारतवर्ष का राजा है। हमारे एक दुकान है वो छोड़ी नहीं जाती, एक फैक्ट्री लग गई हो तो फिर तो लोगों को कोई काम ही नहीं बुक कर सकता, इतना बिजी हो जाता है। पर राजा अम्बरीश जैसा किसी का होगा, परीक्षित जी जैसा चक्रवर्ती सम्राट पूरे भारत का राजा, पर वो भागवत की कथा सुनने आया तो मुड़ के देखा नहीं, जैसे उल्टी कोई करता है तो मुड़ के नहीं देखता, ऐसे संसार को भवन की तरह त्याग दिया, तो तभी तो 7 दिन में ही भगवान मिल गए। हम अपनी एक दुकान एक दिन बंद नहीं कर सकते, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, तो हमें कैसे भगवान मिलेंगे। तो उस तत्व रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे वही भागवत है। इसमें जो श्रीमद लगा हुआ है ये श्री लक्ष्मी स्वरूप है, श्री चते लक्ष्मी। कहते हैं व्यास जी महाराज जी ये भागवत बना करके ले गए वैकुंठ, इसमें भगवान साइन कर देंगे, ओके हो जाएगा, तभी तो लोग मानेंगे। तो व्यास जी महाराज लेकर के वैकुंठ पहुंचे, प्रभो मैंने एक भागवत रूपी ग्रंथ बनाया है, आप इसको देख करके इसमें साइन कर दीजिए, सिग्नेचर कर देंगे, आप सिग्नेचर कर देंगे तो मेरा ग्रंथ विख्यात हो जाएगा, मान्यता हो जाएगी इसकी। भगवान ने तुरंत पूछा क्या नाम है, बोले भागवत। अच्छा भागवत अर्थात जो भगवान के लोग हैं, भागवत मतलब क्या है, हम लोग प्राय हिंदू सनातन के लोग एक बात हर किसी के मुख से सुनाई देती है, कई पंडित जीओं के मुख से हमने सुना, भागवत गीता बोल देते हैं, भागवत गीता, श्रीमद भागवत गीता ऐसा बोलते हैं, भागवत को भी भागवत और गीता को भी भागवत गीता, भागवत गीता नहीं है, भगवत गीता है। आगे से आप लोग भी कोई पंडित जी भी भागवत बोले तो उनको रोक देना, हम भागवत सुन के आए, भागवत गीता नहीं, भगवत गीता, इसमें बहुत फर्क है। भगवत और भागवत में क्या फर्क है, बोले भगवत का मतलब होता है भगवान और भागवत का मतलब होता है भगवान के भक्त, जिसमें भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, भगवान की वाणी है, इसलिए वो भगवत गीता, गीता गायती थी गीता, जो गाया है भगवान ने, गीत गाया, देखिए ठाकुर जी भी गीत गाते हैं, और जब भगवान ने गाया तो जी जगत का कल्याण कर दिया, और गीता गिरते हुए को जो तार दे वही गीता। और भागवत मतलब जो भगवान के प्रेमी भक्त लोग है, पूरी कथा भक्तों की कथा, इसलिए इसका नाम भागवत। आप सब हम सब भागवत हैं, जिनसे भगवान का संबंध है वो है भागवत। तो भगवान ने तो ओके कर दिया तुरंत, मेरा नाम है, मैं मेरे भक्तों का नाम है, इसलिए ठीक है। तो बगल में लक्ष्मी जी माता जी बैठे थे, लक्ष्मी जी व्यास जी उधर लेके गए, माता जी आप भी तो साइन कर दो, लक्ष्मी जी के बिना तो नारायण भी अधूरे हैं, जिस ग्रंथ में लक्ष्मी जी की कृपा ना हो तो वो ग्रंथ कोई नहीं पढ़ेगा। अगर भागवत सुन के लोगों के काम ना होते, ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हैं, जब एक भागवत करवाई बड़ी बड़ी बीमारी घर में थी सब चली गई, भागवत हुई तो बढ़िया जीवन में अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो इसमें लक्ष्मी जी की कृपा है तभी तो। तो माता जी आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो इसको कौन पढ़ेगा कौन सुनेगा, लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं करूंगी भाई, जब इसमें हमारा कोई काम ही नहीं है, इसमें हमारा नाम ही नहीं, हमारा मतलब ही नहीं कुछ भी, सिर्फ भगवान भगवान बोल रहे हो, मेरा क्या काम। व्यास जी बड़े दुखी हो गए, जब माता जी नाराज, पिताजी को भी घुस करके कोई फायदा नहीं, भोजन तो माता जी देंगे, माता जी को मनाने लग गए। माता जी ने कहा जब हमारा इसमें नाम ही नहीं, हमारी चर्चा ही नहीं, तो हम क्यों उसमें शामिल हो। व्यास जी ने तुरंत लेखनी उठाई और कलम उठा करके भागवत के आगे लिख दिया श्रीमद श्री लक्ष्मी, मद मतलब युक्त, इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा है, लक्ष्मी स्वरूपा श्री किशोरी ही हैं, श्री राधा रानी का भी मत है इसमें, इसलिए श्री मद श्री राधा रानी का भी इसमें उनकी भी हाँ है, ये जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, इसलिए श्री मद भागवत हो गया।
और इसमें लिखा है महापुराण पुराना पुराना कभी पूरा ना हो। कितनी कथा सुन चुके कभी हो गया पूरा, यहां सुनेंगे तुरंत फिर 30 तारीख से फिर सुनेंगे, पूरा ही नहीं होता। कितने साल से सुन रहे हैं, जो सुन सुन करके कभी पूरा ना हो मन, और सुने और सुने। लमीना में कथा 30 तारीख से, पर अब लमीना के भक्त लोग भी तो आए हैं कि तो सोचे कि सात दिन अब दो चार दिन बाद तो हमारे यही सुनाने आएंगे, हम क्यों जाए वहां। हेमा से भी भक्त लोग आए, वहां पे भी कथा होती रहती है, तो वो क्यों आए, तो कभी पूरा नहीं हुआ इसलिए आते रहते हैं। और आसपास के जिनको मैं नहीं जानता क्षमा करना, और सब जगह से आए होंगे आप लोग, सब आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि कई बार सुनने पर भी पूरा कभी नहीं हुआ भगवान की कथा सुन करके। कौन ऐसा होगा जो अघाए इसको, क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, नहीं सुनी तो कान नहीं है, क्या है, बोले सांप का बिल है, सांप की बामी। जो हरि कथा सुन ही अधाई, रस विशेष चाखाती ना। जो ये कहे कि हमने तो कथा सुन ली है, अब क्या सुनना होगा, हम तो पूरे हो गए हमने तो सुन ली कथा, तो क्या कह रहे गोसाई जी, बोले रस विशेष चाखाती नहीं, उसने उस अमृत को पिया नहीं, क्योंकि पिया होता तो उसकी प्यास और बढ़ती, उसने कथा नहीं सुनी। इसका मतलब माला जप करते करते ओ 10 बज गए, समय हो गया सुबह जाने का, कथा में जाने का, तो माला रखते रखते मन करे कि और एक माला जपे फिर जाए, माला रखते रखते फिर मन करे एक माला और जप ले। सुबह से जप रहे हैं, कोई 5 बजे से जप रहे हैं, कोई 4 बजे से जप रहे हैं हमारे भाई लोग, 9 बजे से भी जप रहे हैं, तो पर अभी भी जपे जा रहे हैं। देखो भजन कीर्तन करने बैठे हैं, तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, बेंजो बजा रहे हैं, पर सबके हाथ में माला सुमिरन ही है, एक ड्रेस एक वेश, सब एक काम। तो ये क्यों, बोले मन भरना भगवान के नाम से, और ध्यान रखना जब भगवान का नाम भरना शुरू होगा संसार का खारा पानी निकलता जाएगा, मन का खारापन तो प्रेम का अमृत भरता जाएगा। और जब नाम सुमिरन भगवान का नाम सुमिरन होना शुरू हो जाएगा तो आपको कुछ भी ऐसा कमी ऐसी रहेगी नहीं जो आपको आपके जीवन में कोई कम हो, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। पर हाँ हो सकता है हमारे पिछले जन्म के पाप को नाश होने में थोड़ा समय लगेगा, नाम जलाएगा भस्म करेगा तब सुखी सुख मिलेगा। जिसके जीवन में हरि नाम है तो वो आनंदित रहता है। आइए हम भी अपने मन को नैमिषारण्य की ओर ले चले। नैमिष क्षेत्र सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत तीर्थ पर नैमिषु विख्यात अति पुनीत साधक सिद्धि दाता अति पुनीत सिद्धि दाता। आप लोगों ने भी घर में भी सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ते हैं, आप लोग एकादशी व्रत महात्म्य भी पढ़ते ही हैं,
कार्तिक महात्म्य भी पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले लिखा होता है नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि ऋषि कथा सुना रहे हैं। ये कथा नैमिषारण्य में क्यों होती है? क्योंकि बड़ी अद्भुत बात आप लोग सुनना ध्यान से, ये कथा इसलिए वहां कही गई सारी कथाएं क्योंकि नैमिष तीर्थ बहुत पवित्र तीर्थ है। तीर्थ बर, बर मतलब श्रेष्ठ महान तीर्थ बर, नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ठाकुर जी सब जगहों में एक एक रूप में रहते हैं, जैसे हमारे ब्रज में पत्थर के रूप में भगवान तीर्थ है, ब्रज क्षेत्र में शिला के रूप में तीर्थ में गोवर्धन जी के रूप में शिला के रूप में तीर्थ है, उत्तराखंड में जल के रूप में तीर्थ है गंगा जी। आप लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं तो किसी मंदिर में जाते नहीं, गंगा स्नान करके वापस चले जाते। अभी सोमवती में सब गंगा नहा के आए और समय मिले तो चंडी देवी मनसा देवी सब दर्शन कर लेते हैं, और मेन लक्ष्य रहता है कि हम गंगा नहाए। तो तीर्थ है गंगा जी का जल। तो जैसे ब्रज क्षेत्र में पत्थर के रूप में तीर्थ है और उत्तराखंड में जल के रूप में तीर्थ है, तो नैमिष यहाँ जंगल के रूप में तीर्थ है। भगवान जंगल के रूप में तीर्थ बने हैं, वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो भगवान का स्वरूप है। गिरिराज जी शिला के रूप में भगवान है वहां, यहाँ जल के रूप में भगवान है। ब्रह्म द्रवीति विख्याता, ब्रह्म का तरल रूप गंगा जल है, ब्रह्म स्वरूप। केवल गंगा जल पियोगे तो भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। जब सुकरात विदेशी एक संत हुए, सुकरात अंग्रेज लोग उसको सोक्रेटिस बोलते, तो गुजरात ये वहां का जो सिकंदर नाम का जो बादशाह था वो उनको अपना गुरु मानता था, गुरु थे। तो सिकंदर बादशाह दुनिया को जीतने के लिए जब निकला तो सुकरात अपने गुरु महाराज से उसने आज्ञा ली, प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया। तो सुकरात जी ने सिकंदर से एक बात कही, यदि तुम विश्व विजय करने निकले तो कभी तुम्हारा भाग्य जगे तो तुम भारत पहुंच जाओगे भाई। तुम यदि भारत गए तो तुम एक बात जरूर याद रखना, मेरे लिए कुछ चीजें वहां भारत से लेके आना। यदि राजन तुम भारत जाना वहां से गीता ज्ञान ले आना, राजन तुम भारत जाना तो गंगा जल भी ले आना, पी करके मैं भी देखना चाहता हूँ जिसे पी कर ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान है जाना। यदि राजन तुम भारत जाना तो पास की बांसुरी भी ले आना, यदि तुम भारत जाना तो पास की बांसुरी भी ले आना, बजा कर मैं भी देखूं जरा क्या तान थी मस्तान, बजा के मैं भी देखूं जरा ऐसी वो बांसुरी बजती थी जिसके पीछे हजार लाखों लोग घूमते थे। ऐसी बांसुरी ले आना, गीता ले आना, और हो सके तो मेरे लिए ज्ञानी गुरु भी ले आना। केवल भारत में मिलेंगे ये सब, इसलिए मेरा भारत महान, सारे ट्रक बस सबके पीछे लिखना पड़ता मेरा भारत महान। एक महाराज संत बोल रहे थे, आजकल तो मेरा भारत महान काम नहीं बढ़ रहा तो पीछे के दरवाजे से पकड़ा दिया 10-50 हजार, मेरा भारत महान, गुस्सा ही काम चल रहा है भारत, इसलिए मेरा भारत महान हो रहा है। ये भारत हमारे ग्रंथों में इसका नाम है। तो ऐसे नैमिष तीर्थ है, वन के रूप में भगवान रहते हैं, तो उस नैमिषारण्य में कथा होने का एक ये कारण। दूसरा, भगवान श्री राम जी से ने जब माता की परीक्षा ली तो परीक्षा की अति हो गई तो माता सीता से सहन नहीं हुआ। विवरम देही नहीं माता, हे माता धरती मुझे जगह दो। तो कहते एक बहुत बड़ा कुआं सा गड्ढा बन गया और सीता माता उसी गड्ढे में चली गई। सीता मणि की वो भूमि है, इसलिए वो नैमिष तीर्थ भी वहीं पास में ही है।
सीता माता भक्ति है और जन्मी भी धरती से वहीं से मिथिला की भूमि से जन्मी है, पर भक्ति समा कहाँ गई? नैमिष तीर्थ में। इसलिए जहां भक्ति समा गई हो वहीं तो कथा हो सकती है। सीता माता जिस धरती पर समा गई थी, जिस जगह में, फिर भगवान श्री राम ने वहां कई यज्ञ किए। पहला यज्ञ था तो उस जगह पर जो है भगवान अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे श्री राम। तो वाल्मीकि जी के दो छोटे छोटे लाडले छोटे शिष्य कौन, लव और कुश, ये दोनों ही छोटे कथावाचक भारत के पहले कथावाचक, भारत की पहली राम कथा, भारत की पहली राम कथा हुई उसी जगह में। कहां? जहां भगवान यज्ञ कर रहे थे उसी अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे हैं दोनों बच्चे और उन्होंने वहां राम कथा सुनाई है। तो क्यों ना वो जगह पवित्र होगी जहां त्रेता युग में श्री राम ने जहां कथा सुनी है राम कथा। ऋषि ने सोचा हम भी वहीं जाएं, वहीं जाकर के उन ऋषियों ने बैठ करके भगवान की कथा शुरू कर दी। सवै पुंसां परो धर्मो यत्र वाति रधोक्षरे अहैतुक्य प्रतिहता येनात्मासु प्रसीदति। ऋषियों ने प्रार्थना की है सूत जी महाराज आप हमें कथा सुनाने की कृपा करें, आप हमें बताइए कि ये जीवन का कल्याण कैसे होगा, जीवन कैसे, जीवन का कल्याण मतलब भगवान से कैसे मिला जाए। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र बहुत है, अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या, पढ़ पढ़ के जिंदगी खत्म हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, तो सारे शास्त्रों का निचोड़ बताइए क्या है, सार बताइए। कई लोग कहते हैं भगवान के अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, कोई कहते हैं अनंत अनंत अवतार, तो भगवान के कितने अवतार हुए ये बताने की बात। और प्रश्न किया कि भगवान का अवतार होता क्यों है, उन भगवान के सोचने मात्र से सृष्टि बनी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो क्या उन भगवान के सोचने मात्र से रावण कंस कुंभकर्ण नहीं मार सकते थे भगवान, तो भगवान का अवतार क्यों हुआ हमारा। आप एक बात और बताइए, भगवान तो 125 साल के लिए आए और लीला करके चले गए, तो भगवान के जाने के बाद ये जो अशांति बनी हुई है, ये जो सुरक्षा है, कृपा है, धर्म की रक्षा हुई है, फिर ये कौन कर रहा है। और आप एक बात बताइए, 5 दिन का बच्चा पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है, 18 किलोमीटर की थी, 18 किलोमीटर की पूतना को, उसकी लंबाई चौड़ाई 18 किलोमीटर की थी, 6 कोस त्रिगभ्युति अंतरस्तमान, तो इतनी बड़ी 18 किलोमीटर की पूतना को, एक पहाड़ होता है इतना बड़ा, तो उसको 5 दिन का बच्चा कैसे मार सकता है भला। 7 वर्ष का बच्चा गिरिराज गोवर्धन को उठा सकता है, इंद्र भी जिससे डरते थे कंस को कौन मार सकता था, भगवान 11 साल के थे। तो भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं, और रास लीला कितने दिन की थी, 1 ब्रह्मरात्रि पर्यंत, ब्रह्मा जी की एक रात में 3,28,00,000 वर्ष होते हैं, कितना 3,28,00,000 वर्ष, तो भगवान ने ये दिन का रास इतनी लंबी, तो एक रात में कैसे कर दी, क्योंकि गोपियों के जो पति थे गोप, उनको तो ऐसा लगा कि अभी कहीं गई है और थोड़ी देर में घूम के आ गई, वहां उतने में ब्रह्मा जी की एक रात निकल गई थी। तो ये लीलाएं मुझे समझ में नहीं आ रही, ये आप हमें बताने की कृपा करें, कथा सुनाएं हमें। और एक और प्रश्न करते महाराज, कस्मिन युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना, ये कथा किस युग में इसकी रचना हुई, क्यों करनी पड़ी व्यास जी को ये रचना, किसके लिए की, क्यों की, कहां की, कैसे की, इसलिए इसका नाम है कथा। कब, कहां, कैसे, क्यों, किसने, कस्मिन, कस्मात, केन, किम हेतुना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बहुत सुंदर कथा रामचरित्र है, आगे करने से पहले आइए एक बार भगवान का कीर्तन करें।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे ऋषियों, द्वापर युग खत्म होने ही वाला था, कलयुग अभी आया नहीं था। कलयुग आया नहीं और द्वापर अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐसे में एक ऋषि हुए पराशर नाम के। कौन है? बोले वशिष्ठ जी के पोते हैं, ब्रह्मा जी के बेटा वशिष्ठ, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर जी। इन पराशर जी महाराज जी यमुना के किनारे रहते हैं। उनको यमुना उस पार जाना था तो नाव की जरूरत पड़ी, पर वो नाव चलाने वाला केवट उस समय भोजन कर रहा था, और भोजन कोई कर रहा हो तो उसको कभी भी उठाना नहीं चाहिए। जो कोई निद्रा भंगो कथा छेदो शिशोर मातृ विवेदना, कोई विद्यार्थी को छोड़ करके, चौकीदार को छोड़ करके, शिष्य को छोड़ करके, गुरु का शिष्य, मालिक का नौकर और पढ़ने वाले विद्यार्थी, इनको तो जगा ही देना चाहिए अगर सो रहे हैं, क्योंकि ये सो गए तो सबका नाश हो जाए, विद्यार्थी का जीवन नाश हो जाए, मालिक का भी सर्वनाश हो जाए। और इसलिए इनको तो जगा देना चाहिए। बाकी और लोग अगर थके हुए सो रहे हों, ये नहीं कि सूर्य उदय हो गया और 8 बज गए फिर भी सो रहे हैं तो नहीं जगाना चाहिए, पाप लगेगा, ऐसा नहीं। नींद पूरी हो गई है, पर कोई बहुत ज्यादा थका हुआ हो, नींद में हो, तो उसको कभी भी नहीं जगाना चाहिए, उसको जगाना। और बोले बच्चे से माता को अलग कर देना, और बोले भोजन करते हुए को उठा देना, और बोले कथा में विघ्न पैदा कर देना, कथा चल रही है और उसके बीच में ऐसा कुछ बोल देना या ऐसा कुछ कर देना, ये भी बहुत बड़ा। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम देवी भागवत का श्लोक है, आप लोग पढ़ लेना, देवी भागवत में लिखा उसको, ब्रह्म हत्या ब्राह्मण को मारने का तो पाप लगता है। तो व्यास जी के पिता हैं ये, तो उन्होंने देखा तो नाव चलाने वाला केवट तो भोजन कर रहा था, पर उसकी जो बेटी थी नाम है मत्स्यगंधा, मछली के पेट से जन्म हुआ है, मछली की जैसी गंध आती उसके शरीर से, इसलिए मत्स्यगंधा उसका नाम था। उसने कहा आप मारा चिंता न करो, मेरे पिता ने मुझे नाव चलाना सिखा रखी है, मैं पार करा सकती हूँ, आप आओ नाव में बैठो। तो नौका पार कराने लगी, उसी समय उन पराशर जी ने देखा आकाश में ऐसे ऐसे चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह योग ऐसा बन रहा था कि उस समय भगवान का अवतार होने वाला था, भगवान के अवतार का समय का संयोग बन गया था। इसलिए ऐसे महान मुनि पराशर जी के मन में उस जिसके शरीर से मछली की बदबू आ रही हो, बिल्कुल देखने में कुरूप थी, उसको भी देख करके उसका हाथ पकड़ा ऐसे महान योगी ने। तो उस देवी ने कहा कि महाराज आप जैसे तपस्वी को क्या ये शोभा देता है कि एक कन्या को ऐसे एकांत में आप उसका हाथ पकड़े। तो पराशर जी बोले देवी मैंने धरती से लेकर स्वर्ग तक की अप्सराओं को देखा है, मेरा मन फिर भी नहीं बोला,
इन सब चीजों में उसी का मन डोल सकता है जिसका अभी विवेक जागृत नहीं हुआ, असत का उसको ज्ञान नहीं हुआ। मुझे उन अप्सराओं को देख करके तिलोत्तम जिसका एक तिल देख ले तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मूर्छित हो जाए, इतना सुंदर उसका स्वरूप होता है। उर्वशी आदि उनको देख करके मेरा मन कभी परेशान था, तुम्हें देख करके बोले नहीं, इस समय तो भगवान के अवतार का तुम्हें माता बनने का, भगवान की माता बनने का सौभाग्य मिलने वाला है देवी। तो उसने शर्त रखी, मैं यदि माता बनूंगी मेरा तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ, संसार में मैं बदनाम हो जाऊंगी। तो आप वचन दीजिए कि मैं सबसे पहले तो मैं सुंदर हो जाऊं, तथा अस्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरा जो बच्चा होगा संसार का गुरु हो जाए, तथास्तु। और मैं कन्या की कन्या बनी रहूं, ये भी तथास्तु। और इस रहस्य को अभी किसी को पता ना लगे, ये भी चार वरदान दिए, केवल दृष्टि से छुआ, स्पर्श भी नहीं, केवल दृष्टि किया, हृदय के भगवान विराजमान हो गए उसके गर्भ में। छूते ही जो दुर्गंधा थी, शरीर से गंध निकलती थी, सुगंधा हो गई, दिव्य गंधा हो गई, दिव्य अगर तगर की खुशबू आने लगी, उसके शरीर से केसर की खुशबू आने लगी, दिव्य सुंदरी बन गई, वही माता सत्यवती जो भगवान वेद व्यास जी की माता जी हुई, दिव्य रूप में प्रयोग हो गई। और जो प्रकट हुए, कौन सा समय था, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा में मनाते हैं, वही पराशर आत्मज श्री भगवान वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था, क्योंकि कृष्ण मतलब काला और दीप, काले अंधेरे में जिसने दिया जला दिया है, ज्ञान का वेद पुराण का दिया जला दिया, इसलिए उसका नाम कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ा उनका। बोले वेद व्यास भगवान की, ये भगवान का अवतार है, भगवान नारायण ही प्रकट हुए हैं, इसलिए उसी दिन गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु महाराज जी के यहाँ उन्हीं व्यास जी के स्वरूप में सभी संतों की पूजा होती है, संत महात्मा भी उन व्यास जी की पूजा सबसे पहले करते हैं अपने आश्रमों में, मंदिर में, सुबह सुबह आशीर्वाद के स्वरूप में उन्होंने ग्रंथ लिखा। एक वेद था ओंकार ही, एक वेद था, एक ओंकार था केवल, उस एक ओंकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चार वेद बनाए। फिर भी मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेद को स्त्री और शूद्र ये पढ़ नहीं सकते, इसलिए जो वेदों में लिखा है वही ज्ञान हो जाए, पांचवा वेद कहा गया, महाभारत की रचना कर दी, फिर भी शांति नहीं मिली। तो मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नारद, कूर्म, स्कंद, लिंग, वायु आदि 17 पुराण लिखे, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। अब क्या करूं, मैंने जीवों के कल्याण के लिए इतना कुछ किया, ऋग्वेद पैल नाम के ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी ऋषि को, जैमिनी नाम के शिष्य को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि को दिया, और अथर्ववेद सुमंतु नाम के ऋषि को दिया, इतिहास पुराण रोमहर्षण नाम के ऋषि को दिया, इन्हीं रोमहर्षण के बेटे हैं जिनका नाम है सूत, उनका नाम सूत नहीं है, उनका नाम है उग्रश्रवा, सूत एक पदवी का नाम है जो कथा सुनाने का ही काम करते हैं, ऐसे शिष्य परंपरा बन गई। परंतु व्यास जी के मन में चिंता थी कि मेरे मन को शांति नहीं मिली, जब तक मन को शांति न मिले कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ अच्छा किया, तब वो काम अधूरा माना गया। नारायण अपनी वीणा पर गोविंद के गीत गाते हुए दिव्य नाम संकीर्तन सुनाई पड़ा श्री नारद जी महाराज आ रहे हैं। नारायण 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 नारायण
भवसागर में डूब रहे हैं तो भगवान ध्यान रखना, जब हम श्री राधे कहते हैं ना तो जिसका नाम लेते हैं वो सुनता है कि नहीं। अब आगे अभी हम यहाँ कहें पंडित जी महाराज तुरंत अलर्ट हो गए, जिसका नाम लेके वो अलर्ट हो जाता है, वहां को बुलाया हमें तो श्री राधा श्री राधे कहते हैं, श्री जी प्रकट होती है। नाम और नामी अलग नहीं है, आपने राधा कहा कृष्ण कहा उसी समय प्रकट हो गए भगवान। ये हम 25वां अवतार है नाम अवतार, जो आपके घर के ठाकुर हैं वो भी अवतार हैं, 25वां अवतार है। और ये हमारे अधीन है, 24 अवतार हमारे अधीन में नहीं। आपका मन हुआ आज 4 बजे उठे मंगला आरती करें, सुबह उठाने गोपाल जी उठ गए, उठो जी लाल लाल जी उठ गए, गोपाल जी उठ गए 4 बजे उठ गए, क्योंकि 5 बजे माता की ट्रेन है हरिद्वार जाना है, 4 बजे उठ जाते मेरी मैया उठी, और आज कहीं नहीं जाना ना, फिर लंबे पड़ गए, फिर कमल ओढ़ के सो गए, 7 बजे जगाएंगे गोपाल, 8 बजे तक कुछ नहीं कहते, उठाते हैं उड़ते हैं, बैठो जी बैठते हैं सुलाते हैं, चलो जी कथा में चलेंगे, आज मंदिर वाले नहीं नहीं गोपाल जी को नहीं ले जाना घर में, ठीक है बहुरानी सेवा करेंगे, तो वही बैठे हैं। देखो ये जिद नहीं करते मैया मैं भी चलूंगा, तूने पत्थर कहा मैं तो पाषाण था, तूने मूरत कहा मैं तो मूरतवान था, तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, और बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो भीलनी के छिलके भी खा गया, मैं तो विदुराइन के छिलके भी खा गया, क्यों क्योंकि भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। आपने यदि पत्थर के माने तो पत्थर बने रहते हैं, मेरे गोपाल माने हैं तो गोपाल बने हैं, जैसा आप कहेंगे ऐसे ही सच कहते हैं। ये हमारे वृंदावन के जो आप लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं सोचते हैं मूर्ति है, और जाते डिमांड शुरू, हे भगवान मेरा ये हो जाए ये हो जाए वो, भगवान के बारे में कहा गया है ठाकुर सुनत ही तनक भय जाए, कोई उनको अगर ठाकुर कहता है ना तो गोपाल को कभी भी ठाकुर जी मत कहो। और ध्यान रखना हमारी भागवत की कथा हमारे गुरुदेव महाराज जी की कृपा से कथा सुनने आओ तो थोड़ा आप लोगों को अटपटा लगेगा शुरू शुरू में, पर चलना शुरू कर दिए तो बहुत अच्छा लगेगा, और यही सत्य है। अपने लड्डू गोपाल जी को ठाकुर मत कहो, ठाकुर जी तो मोचुअल ठाकुर साहब अच्छे लगते हैं, देखो हमारे ठाकुर साहब कैसे कितने अच्छे लगते हैं मोचुअल, हमारे ठाकुर जी मोचुअल ठाकुर नहीं है, हमारे ठाकुर जी तो लड्डू गोपाल है, छोटे से लाल जी हुए वृंदावन में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा ना देखने, बांके बिहारी लाल राधा रमन लाल राधा दामोदर जी वहां, गोपाल जी हमारो कन्हैया हमारो लाला, ठाकुर जी को कोई ठाकुर कहता कहते मैं डर जाता हूं मैं, अरे मैं हूं नहीं, और ये बोल रहे
दुनिया वालों के लिए हो सकते, पर भागवत से प्रेम करने वाले और वृंदावन से प्रेम करने वाले भक्तों के वो ठाकुर नहीं है। ये आपने अपनी भाव बनाया। तो वहां सात ठाकुर में एक गोपीनाथ जी है, राधा गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी जैसे बांके बिहारी तो सबको पता है ना, पर ऐसे ही सात बांके बिहारी जैसे ही हैं, पर ज्यादा भीड़ बांके बिहारी में मच गई है। क्यों? कथावाचकों ने खूब प्रचार किया है, बिहारी जी वहां के राजा हैं वृंदावन के। पर ऐसे ही सात बांके बिहारी ही हैं, राधा रमण जी भी स्वयं निकले हुए, किसी कारीगर में नहीं बनाई मूर्ति, श्री राधा वल्लभ लाल जी भगवान शिव जी के हृदय से निकले। राधा रमण जी शालिग्राम जी से प्रकट हुए, राधा दामोदर जी गोवर्धन गिरिराज जी से प्रकट हुए। तो ऐसे ही राधा गोपीनाथ जी भी इस बार पता करके आना, दर्शन करना बहुत सुंदर। और राधा श्याम सुंदर हो अटको, जो बाजार जाते ना आप लोग, जो कौन सा बाजार है बने ने? तो बनखंडी महादेव के पास जो है, तो वो उस बाजार से लेफ्ट में जाएंगे बाएं हाथ में, तो छोटी सी गली में थोड़ा आगे जाते हैं, राधा श्याम सुंदर भी है। इतने श्याम सुंदर, बहुत सुंदर बंगाली महात्माओं की सेवा अद्भुत श्रृंगार होता है। तो राधा गोपीनाथ जी के मंदिर के बाहर एक महात्मा रहते थे, बहुत प्रसिद्ध महात्मा, उनका नाम मुझे याद नहीं। तो जब राधा गोपीनाथ जी को भोग लगा, तो उसमें उन्होंने देखा कुल्हड़ में खीर का भी भोग लगा हुआ था। तो महाराज जी की इच्छा हो गई कि ये खीर मुझे मिल जाती है। तुरंत मन में फिर विचार लाए कि हम तो साधु हैं, साधु होकर के खीर रबड़ी मालपुआ ये खाने का शौक रखना ठीक नहीं है। तुरंत मन को बदला और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, नहीं नहीं मेरी इच्छा पूरी मत करना। और ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आने लगे, मेरे लिए संत बने, मेरे लिए घर द्वार छोड़ के आए और खीर की इच्छा हुई, पर हमें खीर नहीं खिला पाया इनको। कहते हैं ठाकुर जी ने खीर की चोरी कर ली, गोसाई जी ने जो भोग लगाया था उस भोग के पात्र में खीर का कुल्हड़ नहीं था। तो गोसाई जी में आपस में उनसे था, किसी गोसाई ने उठा लिया होगा या कोई चूहा उठा के ले गया होगा, कोई तगड़ा सा, ऐसे भी चूहे होते खूब खाई खाई के कट्टे कट्टे। परंतु रात को स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, किसी गोसाई ने खीर की चोरी नहीं की, गोसाई जी मैंने ही खीर चुरा रखी है। बोले राधा रमण लाल की, श्री गोपीश्वर भगवान की, श्री गोपीनाथ भगवान की। तो बोले गोसाई जी, बोले हमने तो कहीं देखा ही नहीं आपने, कहा आप तो बने बैठे हैं खड़े। बोले नहीं, हमारी जो धोती है ना, धोती के एक जो किनारा है उसका बॉर्डर है, उसके पीछे देखना, हमने छिपा रखी है खीर। स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, तो क्यों चुराए प्रभु, आपका तो भोग था, आपके लिए था। बोले नहीं, बाहर एक बाबा, इस नाम के बाबा है, वो मेरे अनन्य भक्त, बड़े महापुरुष हैं वो, दिव्य महापुरुष, उनकी इच्छा हुई इसलिए मैंने, मुझे चुरानी पड़ी। जब जाके देखा तो जो धोती ऐसे मुड़ी होती है किनारा जहां, वहां देखा खीर का कुल्हड़ रखा हुआ था। सुबह जाके देखा, उन महाराज को ले जाकर के दिया गया, तो निहाल हो गए। तो आप इनको मूर्ति मत समझना, आपके घर के गोपाल जी भी लीला करेंगे अगर ऐसा प्रेम करेंगे तो। चैतन्य स्वरूप है, नारद जी महाराज सद्गुरुदेव प्रकट हो गए और उन्होंने बताया, महाराज आपने जो भी किया आज तक, केवल इन पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार चीजों को लिखा, धर्म के बारे में धन कैसे कमाना चाहिए ये भी लिखा, धर्म के लिए क्या यज्ञ करना चाहिए ये भी लिखा, कामना के लिए क्या करना चाहिए मोक्ष भी लिख दिया, परंतु कहीं आपने प्रेम नहीं लिखा कि ऐसा करने से प्रेम होगा भगवान से। और पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, सब कुछ कर लिया पर प्रेम नहीं हुआ। जैसे हमने अपनी बिटिया की विदाई करी, विवाह में खूब दहेज सामान खूब दिया, सब कुछ हमने भर दिया बेटी के घर में दहेज से, पर चार दिन के बाद पता चला हमारी बेटी और दामाद के बीच में प्रेम नहीं हुआ।
किसी वजह से झगड़ा हो गया है, तो बताओ उन माता पिता का ये कितना करना क्या रहेगा, सब बेकार लगेगा उनको कि नहीं उस पिता को।